आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए SSP बबलू कुमार के साथ पुलिस की टीम का सम्मान किया गया। खंदारी चौराहा स्थित एक होटल में हुए अभिनंदन समारोह के दौरान पदाधिकारियों का कहना था कि शहर देहात में हुई कई घटनाओं का पुलिस ने जल्द ही खुलासा किया है, इस वजह से अधिकारी और पुलिस की टीम बधाई का पात्र है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए SSP बबलू कुमार के साथ पुलिस की टीम का सम्मान किया गया। पदाधिकारियों का कहना था कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी और पुलिस कर्मियों का सम्मान करना चाहिए, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। कि कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र हो, अध्यापक हो, अधिकारी हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे काम करने वाला, उसका इतना सम्मान करो मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए। तो आज यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी भाइयों का स्वागत और सम्मान हो रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, कई जो डकैती हैं, कई इस तरह की घटनाएं जो खोली हैं, तो उनका यहाँ के व्यापारी भाइयों ने भी उनका हृदय से जो सम्मान करने की बात है, तो उसी कड़ी में उनका सम्मान हो रहा है। खंदारी चौराहा स्थित एक होटल में हुए अभिनंदन समारोह के दौरान पदाधिकारियों ने सदर बैंक डकैती और लॉयस कॉलोनी में हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में हुई लूट का खुलासा करने पर अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। वैश्य समाज का सबसे बड़ा संगठन भारत का वैश्य एकता परिषद और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में आज वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक यहाँ सम्पन्न हुई है। अलीगढ़ में एक बड़ा अधिवेशन भी होने जा रहा है और उस बड़े अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और राष्ट्र के केंद्र के भी कोई नेताओं की आने की संभावना है और वैश्य समाज के लोग एकजुट रहें, सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लें, प्रेम से रहें और देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएं, ऐसा लेकर एक विषय लेकर अधिवेशन अलीगढ़ में होने जा रहा है। उसी की तैयारियों के संबंध में यह बैठक हुई है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये सम्मेलन अलीगढ़ में होगा और मैं सभी अपने आगरा के शहरवासियों से अनुरोध करूंगा इस अलीगढ़ में होने वाले अधिवेशन में अवश्य उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में 6-7 फरवरी को होने वाले अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वैश्य समाज को मजबूत करने के लिए होने जा रहे सम्मेलन की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को भी आमंत्रित करने का काम माननीय मंत्री जी महेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग मिलने गए थे, जिसमें माननीय नवीन जैन जी की भी सहमति और स्वीकृति है। उनके माध्यम से संभवतः उनके आने की स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ गिरा है उसका मूल कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ठोस निर्णय, और उस ठोस निर्णय का ही परिणाम है कि आज बैंक डकैती खुली और सारा पर्दाफाश यहाँ के पुलिस कर्मियों ने किया है, इसलिए आज उनका सम्मान करने का निश्चय आज हम लोगों ने किया है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता का कहना है कि वैसे एकता परिषद का सम्मेलन हर साल की तरह इस साल भी होने जा रहा है। सम्मान समारोह में SSP बबलू कुमार, SPCT बोत्रे रोहन प्रमोद के साथ अन्य अधिकारियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। आज यहाँ अखिल भारतीय वैश्य परिषद के द्वारा हमारे जो व्यापारी भाई हैं उन सभी के द्वारा उन समस्त पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। नॉर्मली पुलिस के खराब कामों पे हम आलोचना ज़रूर करते हैं, साथ ही साथ जब हमारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो मैं समझता हूँ कि एक एक सिपाही, एक एक अधिकारी जिन्होंने ये काम किया है वो दुगना ऊर्जा के साथ आगे भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक का सम्मान किया है, और इसी प्रकार से हम और अच्छा काम, बेहतर काम जनपद के लिए, लोगों के लिए करते रहेंगे। SSP बबलू कुमार का कहना है कि सदर में बैंक डकैती और पॉश कॉलोनी में गोदाम में हुई लूट के खुलासे के बाद व्यापारियों ने सिपाही से लेकर अधिकारियों का सम्मान किया है। SSP ने कहा है कि पुलिस इस सम्मान को देखते हुए और अच्छा कार्य करेगी। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।